आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के अधीष्ठ हैं विश्व शांति डोम के रचयिता, विश्व शांति के उपासक, विश्व धर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। आप सुन रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनकही और कुछ अनसुनी कहानियां। भीम अर्जुन का पराक्रम द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। कर्ण, कुंती सूर पुत्र कर्ण, दानवीर कर्ण, महाभारत काल का एक असाधारण योद्धा। कर्ण के बारे में तो हम सभी लोग काफी कुछ जानते हैं, लेकिन कर्ण के परिवार के विषय में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। आज की यह अनसुनी कहानी कर्ण के परिवार की है। दरअसल कर्ण के धर्म पिता तो पांडु थे, लेकिन पालक पिता अधिरथ और पालक माता थी राधा। कर्ण ने दो विवाह किए थे, जिससे कर्ण के 10 पुत्र हुए, जिसमें 9 तो युद्ध में मारे गए। वृषाली ही कर्ण की पहली पत्नी थी। वो दुर्योधन के सारथी सत्यसेन की बहन थी। वो अत्यंत उच्च चरित्र वाली महिला थी, और इसलिए कर्ण के पिता अधिरथ चाहते थे कि उनके पुत्र का विवाह वृषाली से हो। महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु के बाद वृषाली भी सती हो गई। वृषाली ने कर्ण के 8 पुत्रों को जन्म दिया था। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम था सुप्रिया। जैसे कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था, वैसे ही सुप्रिया दुर्योधन की पत्नी भानुमती की सबसे अच्छी मित्र थी। महाभारत में उनके बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया है। सुप्रिया ने कर्ण के 2 पुत्रों को जन्म दिया था। एक का नाम था बाणसेना, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में भीम के हाथों 16वें दिन मारा गया। दूसरा था द्विपता, जो अर्जुन के हाथों मारा गया। महाभारत के अन्य क्षेत्रीय संस्करणों में पद्मावती, उरुवी और ऋतुवती का उल्लेख कर्ण की पत्नी के रूप में किया गया है। हालांकि व्यास महाभारत में उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए मैं भी उन्हें शामिल नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि वृषाली कर्ण की पहली पत्नी थी और उसने 8 पुत्रों को जन्म दिया था। वृषसेन कर्ण का सबसे बड़ा पुत्र था। वो एक कुशल योद्धा था और उसने कौरवों की ओर से कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया था। वो अपने तीरंदाजी कौशल और बहादुरी के लिए जाना जाता था। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने कहा था कि कर्ण ने मेरे पुत्र अभिमन्यु को तब मारा है जब मैं वहां नहीं था, लेकिन मैं उसके सामने उसके पुत्र को मार डालूंगा। और उसने वैसा ही किया। जब कर्ण वहां था, तब अर्जुन ने वृषसेन को मार डाला और कर्ण अपने बेटे को बचा नहीं सका। वृषाली का दूसरा पुत्र था चित्रसेन, जो विभिन्न हथियारों के उपयोग में निपुणता के लिए माना जाता था। उसने भी कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़ाई लड़ी और युद्ध में महान वीरता का प्रदर्शन किया। उसकी मृत्यु नकुल के हाथों हुई। सत्यसेन कर्ण का तीसरा पुत्र था। वो भी एक योद्धा था, जिसने अपने भाइयों के साथ लड़ाई लड़ी और नकुल के हाथों वो मारा गया। उसे वीरगति प्राप्त हुई। कर्ण का एक अन्य पुत्र सुषेण था। अपने भाइयों की तरह उसने भी कुरुक्षेत्र युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया और एक उच्च योद्धा होने का प्रदर्शन भी किया, लेकिन नकुल उसकी मृत्यु का कारण बना। कर्ण का एक अन्य पुत्र शत्रुंजय अपने असाधारण धनुर्विद्या कौशल के लिए जाना जाता था। उसे कर्ण के पुत्रों में सबसे कुशल धनुर्धर माना जाता था, मगर उसका वध अर्जुन के हाथों हो गया। प्रसेनजीत भी कर्ण के पुत्रों में एक था, जो युद्ध में लड़ा था, लेकिन उसके बारे में बहुत कुछ लिखा नहीं है। प्रसेनजीत का वध सात्यकी ने किया था। सात्यकी यादव वंश का योद्धा था और अर्जुन का शिष्य। तो ये हो गए कर्ण के 9 पुत्रों के विषय में जानकारी। कर्ण का 10वां पुत्र वृषकेतु था, जो एकमात्र जीवित बच गया, क्योंकि वो बहुत छोटा था जब महाभारत का युद्ध हुआ था। कर्ण के विषय में जानकारी ढूंढते समय जब मैं इंटरनेट में गोते लगा रहा था, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सामने आई, जो कर्ण से ही संबंधित थी। इसको सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि महाभारत काल में भी लाई डिटेक्टर का उपयोग श्री कृष्ण के माध्यम से हुआ था। बताता हूँ कैसे। विभिन्न स्रोतों के अनुसार महाभारत से संबंधित कई लोकप्रिय कथाएँ मिलती हैं, जिसमें एक है जाम्बुल अध्याय, जिसमें द्रौपदी अपने एक राज का खुलासा करती है। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वो अपने 5ों पतियों को समान प्यार नहीं करती थी। वो सबसे ज़्यादा अर्जुन को प्यार करती थी, मगर अर्जुन कृष्ण की बहन सुभद्रा से अधिक प्यार करते थे। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब पांडवों को निर्वासन का दुख भोगना पड़ा, उस समय 12वें वर्ष में द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का गुच्छा देखा और तोड़ लिया।
जैसे ही द्रौपदी ने गुच्छे को तोड़ा तभी वहां श्री कृष्ण पहुंच गए। श्री कृष्ण ने बताया कि इस फल के सेवन से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाला था। चूंकि अब यह फल द्रौपदी ने तोड़ लिया है तो अब पांडव उस साधु के प्रकोप का जरूर शिकार होंगे। ये सुनकर पांडवों ने घबराकर श्री कृष्ण से सहायता मांगी। तब श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि एक ही उपाय है, सभी को पेड़ के नीचे बैठकर जामुन के केवल सत्य वचन ही बोलने होंगे, कोई भी रहस्य नहीं छुपाएगा, तभी ये फल अपने स्थान से दोबारा ऊपर जाकर पेड़ पर लग सकता है। इतना कहने पर श्री कृष्ण ने फल को पेड़ के नीचे रख दिया और बारी बारी से सभी को बुलाया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने सत्य बोलते हुए कहा, दुनिया में सत्य, ईमानदारी, सहिष्णुता का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। यही नहीं, युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ घटित अवांछनीय घटनाओं के लिए द्रौपदी को दोषी भी ठहराया, ये भी सत्य बोला उन्होंने। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर हवा में आ गया। उसके बाद भीम ने सभी के सामने ये सच को स्वीकारा कि उन्हें भोजन, युद्ध, नींद और यौन इच्छा हमेशा उनके मन में बनी रहती है। इसके बाद जामुन का फल 2 फीट ऊपर और हवा में चला आया। अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने कहा, मुझे प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि काफ़ी पसंद है और जब तक मैं युद्ध में कर्ण को नहीं मार दूंगा तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, चाहे मुझे धर्म के विरुद्ध क्यों ना कुछ करना पड़े। इतना कहकर फल थोड़ा और ऊपर चला गया। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य नहीं छुपाया। अंत में बारी आई द्रौपदी की। द्रौपदी ने सत्य बोलते हुए कहा, मैं अपने 5 पतियों की ज्ञानेंद्री यानी उनकी आँख, कान, नाक, मुँह और शरीर हूँ, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ और बिना सोच विचार के मैंने अपने कार्यों के लिए मैं पछता भी रही हूँ। परंतु द्रौपदी के ये सब बोलने के बाद भी वो फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण द्रौपदी से कहा, तुम कोई रहस्य छुपा रही हो पांचाली? तब द्रौपदी ने अपने पतियों की ओर देखते हुए कहा, मैं आप 5ों से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी 6ठे पुरुष से भी प्यार करती हूँ और वो है कर्ण, जिसे जाति की वजह से विवाह नहीं होने का पछतावा होता है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते और न ही इस तरह के कड़वे अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता। द्रौपदी के इतना कहते ही जामुन का फल पेड़ पर जाकर लग गया। तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि दानवीर कर्ण महाभारत का वो एंटी हीरो था जिसे द्रौपदी भी चाहती थी। अगली बार सुनेंगे कर्ण के 10वें पुत्र वृषकेतु की कहानी। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।